वेलकम टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंडिया में कितने तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वॉट इज बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट किसे कहते हैं? तो बैंक अकाउंट इज अ फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बैंक अकाउंट जो है वो एक ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट है जिसको बैंक या फिर दूसरा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको मेंटेन करता है। इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक एंड अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड, जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन होता है बैंक और उसके कस्टमर के बीच में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बैंक अकाउंट इज अ फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक एंड अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड। तो हिंदी में देखिए ये क्या है, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों के लेन देन का विस्तृत विवरण वितरण रखती हैं, जिसे बैंक खाता कहते हैं। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों के लेन देन का विस्तृत विवरण वितरण रखती है जिसे बैंक खाता कहते हैं। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, क्या क्या है वो? सबसे पहले है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग सावधि जमा खाता कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सेकंड है करंट डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम लोग चालू खाता कहते हैं। थर्ड है सेविंग अकाउंट, जिसको हम लोग बचत खाता कहते हैं, सेविंग अकाउंट बचत खाता। और फोर्थ और लास्ट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग आवर्ती जमा खाता कहते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता, करंट डिपॉजिट अकाउंट, चालू खाता, सेविंग अकाउंट बचत खाता और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आवर्ती जमा खाता। तो सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट किसे कहा जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है? तो फिक्स्ड डिपॉजिट अलाउज यू टू इन्वेस्ट योर फंड्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड अर्न रिटर्न्स एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है अपने एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि 10,000 रुपीज को हम लोग 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 10,000 रुपीज हुआ और फिक्स्ड टर्म वो 2 साल हुआ और उसके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जैसे कि इंटरेस्ट रेट 5% का होगा, इस तरीके से वो जमा हो जाएगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट allows you to invest your funds for a fixed term and earn returns at a fixed interest rate. The interest rate on your FD is higher than saving account. यहाँ पर fixed deposit account में जो interest rate होता है वो saving deposit के interest rate से ज़्यादा होता है। तो fixed deposit allows you to invest your funds. आप अपना कोई भी fund fixed term के लिए fixed interest rate पर आप invest कर सकते हैं, उसी को fixed deposit account कहा जाता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर परिपक्वता अवधि के लिए धनराशि को जमा किया जाता है और जिस पर निवेशकों को निर्धारित ब्याज मिलता है। जिस राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किया जाता है उस राशि को निर्धारित निश्चित अवधि से पहले नहीं निकाला जा सकता। जिस भी पैसे को हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में डिपॉजिट करते हैं वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट का जब तक टाइम पूरा नहीं होता उससे पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। ये है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट किसे कहा जाता है? तो अ करंट अकाउंट इज अ पर्सनल बैंक अकाउंट। एक करंट अकाउंट जो है वो एक पर्सनल बैंक अकाउंट है विच यू कैन टेक मनी आउट ऑफ एनी टाइम यूजिंग योर चेक बुक और कैश कार्ड। तो एक करंट अकाउंट एक ऐसा पर्सनल बैंक अकाउंट है जहां से हम लोग जिस भी टाइम हो अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हैं, कोई चेकबुक या फिर कोई भी कैश कार्ड के थ्रू। इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल ट्रांसफर, एक्सचेंज, आउटवर्ड एंड इनवर्ड रेमिटेंस। इसको पर्सनल ट्रांसफर, एक्सचेंज, आउटवर्ड या फिर इनवर्ड रेमिटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो करंट अकाउंट इज अ पर्सनल बैंक अकाउंट विच यू कैन टेक मनी आउट ऑफ एनी एट एनी टाइम यूजिंग योर चेकबुक और कैश कार्ड। It can be used for personal transfer, exchange, outward and inward remittance. तो current account को चालू खाता भी कहते हैं। ये account company या कारोबारियों के लिए होता है। इन्हें
रोजाना पैसे इनमें इन्हें रोजाना पैसे के लेन देन की जरूरत पड़ती है। जहां पैसे का लेन देन बड़े पैमाने पर होता है वहां पर करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। करंट अकाउंट को चालू खाता भी कहते हैं। यह अकाउंट कंपनी या कारोबारियों के लिए होता है। इन्हें रोजाना पैसे के लेन देन की जरूरत पड़ती है। जहाँ पैसे का लेन देन बड़े पैमाने पर होता है वहां पर करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? तो सेविंग अकाउंट इज अ बेसिक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दैट अलाउज यू टू डिपॉजिट मनी एंड कीप इट सेफ एंड विड्रॉ फंड्स ऑल व्हाइल अर्निंग इंटरेस्ट। तो सेविंग अकाउंट जो है ये एक बेसिक टाइप का बैंक अकाउंट होता है जो कि नॉर्मली सभी के पास होता है। इसमें हम लोग अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। वो पैसा जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से फंड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पैसे भी निकाल सकते हैं। और जब तक हमारा पैसा जैसे बैंक के अकाउंट में रखा हुआ है तब तक हम लोग इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे। तो सेविंग अकाउंट इज अ बेसिक टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दैट अलाउज यू टू डिपॉजिट मनी एंड कीप इट सेफ एंड विड्रॉ फंड्स ऑल व्हाइल अर्निंग इंटरेस्ट। तो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, यहाँ आपको सालाना ब्याज मिलता है। यह खाता सभी प्रकार लगभग हर आम आदमी के पास होता है क्योंकि इससे मिलने वाली सुविधाओं और लाभ आम आदमी की जरूरत के हिसाब की होती है। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, यहाँ आपको सालाना ब्याज मिलता है। यह खाता सभी प्रकार लगभग हर आदमी के पास होता है क्योंकि इससे मिलने वाली सभी सुविधाएं और लाभ आम आदमी की जरूरत के हिसाब की होती है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, चार अकाउंट था, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और ये है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो एक स्पेशल काइंड का टर्म डिपॉजिट होता है जिसे बैंक ऑफर करती है, विच ऑफर्ड बाय बैंक्स विच हेल्प पीपल विथ रेगुलर इनकम टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इनटू देयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू द फिक्स डिपॉजिट। तो एक फिक्स डिपॉजिट में जैसे एक साथ मेरे पास 10,000 रुपीज है तो हम उस अमाउंट को फिक्स्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, जैसे एक साथ मेरे पास 10,000 रुपीज नहीं है लेकिन हम हर मंथ अगर ये कर दें कि हम हर मंथ 1,000 रुपीज करके जमा करेंगे तो 1,000 रुपीज 2 ईयर्स के लिए, इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स डिपॉजिट के लगभग में ही होता है। तो जिसके पास लमसम अमाउंट नहीं है वो रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक्स विच हेल्प पीपल विथ रेगुलर इनकम्स टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ। हर महीने जैसे 1,000 रुपीज का रिकरिंग डिपॉजिट करवाए तो हर महीने मुझे उसमें 1,000 रुपीज डिपॉजिट करना होगा। 1,000 रुपीज एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, उसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट होता है और इसका इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट के आसपास ही रहता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक विच हेल्प पीपल विथ रेगुलर इनकम्स टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इनटू देयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इस स्कीम में आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट यानी राशि जमा करते हैं। जब आपकी रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर हो जाती है, मतलब जब भी जितना जिस टर्म के लिए भी हम वो रिकरिंग डिपॉजिट ले रहे हैं, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, तो जब भी वो अगर 1 ईयर के लिए लिया है तो 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाए तो उसे मैच्योरिटी कहते हैं। तो जब आपकी रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर हो जाती है तो आपकी जमा की हुई राशि और उसके साथ एक निश्चित ब्याज और वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट के आसपास ही इंटरेस्ट रेट उसका रहता है, तो आपकी जमा की हुई राशि और उसके साथ एक निश्चित ब्याज दर से आपको उस राशि पर ब्याज भी मिलता है। तो स्कीम में आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट यानी कि राशि जमा कर सकते हैं। जब आपकी रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर हो जाती है तो आपकी जमा की हुई राशि और उसके साथ एक निश्चित ब्याज दर से आपको उस राशि पर ब्याज भी मिलता है। तो यह है रिकरिंग डिपॉजिट का डेफिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक यू।